शायद कोई भी अपनी फर्स्ट डेट को नहीं भूलता। फर्स्ट डेट, फर्स्ट किस, फर्स्ट नाइट, सब कुछ बेहद थ्रिलिंग होता है। जिस तरह पहले पहले प्यार का एहसास कभी ना भूलने वाला होता है, उसी तरह फर्स्ट डेट भी इंसान के मानस पटल पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ जाती है। फिर मेरा प्यार तो छाया थी, छाया जो साधारण लड़की नहीं थी, वो तो मेरी लाइफ में आई ही इसलिए थी ताकि मेरी पूरी जिंदगी बदल सके। उस दिन मैं छाया को कोलकाता के मशहूर थिएटर रविंद्र सदन में एक प्ले दिखाने ले गया था। रविंद्र सदन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड पर स्थित कोलकाता का एक बड़ा कल्चरल सेंटर है, जहां फिल्म फेस्टिवल से लेकर खूब प्ले होते हैं, खूब कल्चरल एक्टिविटीज होती है। वो एक रोमांटिक बंगाली प्ले था जो हम देखने गए थे। हालांकि ज्यादातर लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए ऐसी जगह नहीं चुनते, उनकी पहली पसंद तो कोई निर्जन जगह या फिर शांत रेस्टोरेंट होते हैं, जहां वो आराम से बैठकर ढेर सारी दिल की बातें कर सके। दिल की वो बातें जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन मैंने दर्शकों से खचाखच भरे रविंद्र सदन को ही चुना। खुद छाया को भी प्लेस देखना बहुत पसंद था, हालांकि बाद में अपना वो फैसला खुद मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ा। मैं सोच रहा था कि रोमांटिक प्ले देखते हुए खुद छाया भी बेहद रोमांटिक हो जाएगी और फिर हम ढेर सारी प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्ले का क्लाइमेक्स बहुत डिप्रेसिंग था, जिसमें प्रेमी की मौत हो जाती है और प्रेमिका पागलों की तरह चीखती चिल्लाती इधर से उधर भटकती फिरती है। छाया प्रेमिका की उस दुर्दशा पर रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। ये छाया का पहला स्पर्श था, पहली बार उसने मुझे छुआ, लेकिन उस स्पर्श में बेचैनी थी, व्यथा थी। प्रेम, वो प्यार से मुझे परिमल की जगह प्रेम कहकर ही पुकारती। तुम तो कभी मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं चले जाओगे? छाया, जानते हो प्यार में लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं प्रेम। छाया धारा प्रवाह बोलती चली गई, और बहुत कमजोर भी। मजबूत इतने कि दुनिया से लड़ जाते हैं, और कमजोर इतने कि बस एक इंसान के बिना नहीं रह पाते। छाया, मेरे मुंह से सिस्कारी छूट गई। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती प्रेम, कभी नहीं रह सकती। वो थिएटर में थी, दर्शकों से खचाखच भरे थिएटर में, लेकिन प्ले देखते देखते वो उसके किरदारों में इतना डूब गई थी कि उसका ये एहसास तक मिट गया था कि उस समय वो एक बड़ी भीड़ का हिस्सा है। उस समय तो जैसे वो खुद प्ले का एक कैरेक्टर बन गई थी। रविंद्र सदन में उपस्थित तमाम दर्शक बस उसे ही देख रहे थे, और छाया को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो अनीजी होकर वहां से भाग खड़ी हुई। पागलों की तरह भागी, बेतहाशा भागी। उफ, जैसे उस प्ले की नायिका अपने प्यार का इजहार करके वहां से भाग रही थी, पीछे पूरा रविंद्र सदन। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये थी हमारी पहली डेट, जिसके हजारों हजार लोग गवाह थे। कोलकाता का रविंद्र सदन गवाह था। फिर भला मैं उस फर्स्ट डेट को कैसे भूल सकता था? लेकिन वो फर्स्ट डेट मेरी वजह से नहीं, बल्कि छाया की वजह से यादगार बनी थी, खास बनी थी।